दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एक्सिस मोबाइल ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको करना क्या है, अपने एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अगर आपका ईमेल आईडी अभी तक मोबाइल इसमें रजिस्टर्ड नहीं है आपके बैंक में, तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे फर्स्ट आपको अपना ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड कर लेना है। उसका दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट लॉगिन कर लेना है, जो कि ऊपर आपको राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एम पिन या फिर स्कैन करके आप यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, इंस्टा इन्वेस्ट पे। इसी इंस्टा इन्वेस्ट पे दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ ओपन होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, सर्वाइव गोल्ड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको हम पीपीएफ कहते हैं, पीपीएफ अकाउंट, ठीक है, और एनपीएस। तो हमारा अभी तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को इस पर क्लिक करना है इंस्टा एसआईपी पे। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपके सामने कई सारे म्यूचुअल फंड आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लोड मोड पर करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करने से पहले आप उसकी रेटिंग को जरूर देख लें, जो कि आप रेटिंग मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर जिसकी रेटिंग दोस्तों ये होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसी के हिसाब से उसको हम रेटिंग देते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको रेटिंग देती है, तो रेटिंग को देख के, परफॉर्मेंस को देख के ही आपको म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका 3 साल का जो रिटर्न है 16.81% है, ठीक है, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसी के साइड में एक इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर पूछेगा आपसे कि आई कन्फर्म टू नाइदर बॉर्न हो और होल्डिंग सिटीजनशिप और लाइबल टू पे टैक्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको दोस्तों आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों भर देनी है। तो यहाँ पे आपको कंट्री बर्थ भर देना है, मतलब जहाँ पे आप जिस देश में जन्म लिए हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ भर देना है, एड्रेस भर देना है, कंट्री। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं यहाँ पर अब भी भरने जा रहा हूँ, तो चलिए हम लोग भर देते हैं। अब यहाँ पे कंट्री इंडिया में डाल देता हूँ और प्लेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जन्म लिए हों उसका नाम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस टाइप, रेजिडेंटल और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर रेजिडेंटल और बिजनेस है तो दोनों में से एक डाल सकते हैं, और बिजनेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो जो भी जिस भी प्रकार का आपका है उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। मेरा दोस्तों रेजिडेंटल है, मतलब मैं नॉर्मली हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो मेरा घर है, इसलिए रेजिडेंटल में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री डाल देना है, कंट्री इंडिया ही है मेरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम भर देनी है आपको। अगर आपके 1 लाख से ऊपर है तो आप 1 लाख से ऊपर भी यहाँ चॉइस कर सकते हैं, अगर 1 लाख से कम है तो बिलो 1 लाख कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्यूपेशन आपको लिख देना है कि आपका एक्यूपेशन क्या है, तो जो भी आपका एक्यूपेशन हो वो दोस्तों आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोसिव पर्सन, अगर आप पॉलिटिकल में हैं, मतलब आप राजनीतिक पार्टी के कोई अध्यक्ष हैं, कुछ भी हैं, तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इसी सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस योर रिस्क प्रोफाइल आएगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, बैलेंस दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, रिस्क एवरेज दिखेगा, एग्रेसिव दिखेगा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कैसा मतलब म्यूचुअल फंड चाहिए, जो कि रिस्क वाला हो या फिर बैलेंस वाला हो या फिर ग्रोथ वाला हो, तो आप कुछ भी पे क्लिक कर सकते हैं।
सपोज मान लीजिए ग्रोथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैलेंस्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों बैलेंस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और इफ़ नीडेड यू कैन चेंज योर रिस्क प्रोफाइल वंस एवरी 24 आवर्स, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये इसलिए पूछ रहा है कि इसी के हिसाब से आपके जो म्यूचुअल फ़ंड होंगी वो और आगे अभी आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव रेट पे क्लिक कर देंगे और एक्सप्लोर स्कीम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे रिस्क वेरी हाई है दोस्तों। और दोस्तों रिस्क होता ही है, म्यूचुअल फंड हर किसी में होता है, बस आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि जो इसमें पैसा डाल रहे हैं उसको जल्दी से निकालना नहीं है, ठीक है। अगर आपको जल्दी से निकालना है तो आप पी 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 अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर FD करवा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी करवा सकते हैं, बट इसमें दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, ठीक है। तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा म्यूचुअल फंड को लेके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, और यहाँ पे फोलियो नंबर भी नहीं आ रहा है, फ्रिक्वेंसी मंथली है, और मिनिमम जो SIP आप कर सकते हैं 500 रुपये कर सकते हैं, और नंबर ऑफ SIP जब तक कैंसिल ना करें, और यहाँ पे डेट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सब कुछ। अब मिनिमम SIP दोस्तों यहाँ पे है वो मैं 500 कर देता हूँ, बाकी दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जब तक 500 से स्टार्टिंग है और उसके बाद जितना भी अमाउंट डाल 200 रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ SIP पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ़ SIP पूछेगा, तो नंबर ऑफ़ SIP अनटिल कैंसिल, मतलब जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आपकी SIP चलती रहेगी। अब यहाँ पे SIP डेट पूछ रहा है कि कौन सी डेट को आप पैसे आप कटवाना चाहते हैं। SIP का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपके हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट के म्यूचुअल फंड में जाते रहेंगे, तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट को आपको पैसे कटवाने हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 15 कर लेता हूँ, ठीक है, हर 15 तारीख को मेरे पैसे कट जाएँ। अब दोस्तों यहाँ पे SIP डेट जो मैंने 15 रखी है, इस 15 तारीख को मेरे पैसे कट के म्यूचुअल फंड में जाते रहेंगे और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो दोस्तों जाता रहेगा, नहीं भी हैं दोस्तों तो नहीं कटेगा, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तभी वो कटेगा, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना कि अगर पैसे मेरे अकाउंट में नहीं है तो उसका कोई चार्ज लग जाएगा, कोई चार्ज इसमें नहीं लगता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव एग्री पे यहाँ पे टिक कर देंगे, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इससे इतना करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, और उस OTP को दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो दोस्तों OTP को डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट हैज बिन सबमिटेड, ठीक है। रेफरेंस नंबर ये है, और इस स्कीम में मैंने पैसे को डाले हैं। SIP मेरी 15 तारीख को हर महीने कटेगी, और स्कीम है ग्रोथ, और अमाउंट मेरा 500 रुपये है। नंबर ऑफ SIP अनटिल कैंसिल, मतलब जब तक मैं कैंसिल नहीं करूँगा तब तक मेरी SIP चलती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद और चलेंगे, यहाँ पे और भी दिखा रहा है स्टार्ट SIP स्टार्ट इन्वेस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब हम लोग होम पे चलेंगे, म्यूचुअल फंड होम, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड होम पे क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों जैसे म्यूचुअल फंड होम पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पोर्टफोलियो लिखा होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने अभी डेट रखी है वो 15 तारीख रखी है, मतलब 15 तारीख को जब मेरा पैसा कटेगा तभी दोस्तों यहाँ पे मेरी वैल्यू दिखेगी। तो ये दोस्तों फर्स्ट स्टेप है जो कि मैंने आप सभी को बताया कि कैसे आप एक्सिस बैंक ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, और ये मैंने दोस्तों SIP के माध्यम से आप सभी को बताया है। आगे दोस्तों मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इसको कैंसिल करते हैं या फिर कैसे इसको स्टार्ट करते हैं और बल्क में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आई होप दोस्तों आपको समझ में सब कुछ आया होगा, पर दोस्तों अगर कुछ भी मेरे से रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।